चढ़दी कला। सत श्री अकाल जी, मैं हरमन कुलार, फास्ट न्यूज देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। अचानक तेज हवावां चलण अते बरसात कारण किसानां दी पुत्तां वांग पाली कणक दी फसल जमीन ते विछ चुकी है, जिस नाल किसानां दे चेहरे मुरझाए होए ने। अज मुड़ होई बरसात कारण किसानां नूं जमीन ते विछी कणक दा होर नुकसान होण दा डर सताउण लग पिया। उन्हां दस्सिया, महंगे भाव दा डीजल फूक के ते महंगी खादां दवाईआं दी वरतों करके भी कणक दी फसल नूं जिगर दे टोटे वांग पालिया गया। इस वार आस सी कणक दा झाड़ वधिया निकलेगा, पर इन्हीं दिनी हो रही भारी बरसात तेज हवावां ने सारे किसानां दी आसां ते पाणी फेर के रख दित्ता, जिस कारण किसान पहले महंगाई करजे दी मार हेठ दबे हुए ने। सरकार को ना मंग कीते कि गिरदावरी तुरंत करा के मुआवजा दिता जाए। कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस विआह दे बंधन विच बजे गए ने ते विआह ते अज कुछ अजिहा होया जिस नूं देख के सारे एक बार हैरान रह गए, क्योंकि विआह दे मौके ते जिथे सारे परिवारक मैंबर जोड़ी नूं आशीर्वाद देण आउंदे ने उत्थे कई कैबिनेट मंत्री भी इस फंक्शन दा हिस्सा बणे। उत्थे ही कुलतार संधवा ते केजरीवाल ने भी पहुंच के बूटे लगाउण दा अनोखा काम कीता, जिस नूं असल च देख के सारे हैरान होए ते कहा कि इह की हो गया। पर केजरीवाल ने बड़े ही विलक्षण तरीके दे नाल आशीर्वाद दिता इस जोड़ी नूं। खालिस्तानी समर्थक अते वारस पंजाब दे मुखी भाई अमृतपाल नूं पंजाब पुलिस ने भगौड़ा लान्या। गिरफ्तारी तों बचण लई अपना भेस बदल के उह भज रिहा ते पुलिस वल्लों उहदी भाल लई लगातार छापेमारी कीती जा रही है। ताज़ा जानकारी मुताबक खालिस्तानी अमृतपाल सिंह दे संबंध च जम्मू च वी छापेमारी चल रही सी। जम्मू दे आरएसपुरा खेतर तों जम्मू पुलिस ने एक साथी नूं उहनां दे हिरासत च लिया, जिहदी पछाण अमरीक सिंह वजों होई है। अमरीक सिंह 18 मार्च तों पहलां अमृतपाल दे संपर्क च सी, पंजाब पुलिस दी सूचना ते उसनूं हिरासत च लिया गया। अमरीक सिंह वासी आरएसपुरा ते उहदी पत्नी सरबजीत कौर नूं जम्मू पुलिस ने हिरासत च लै लिया। पप्परप्रीत सिंह ने कथित संबंध उहनां दे होण दे दोष वी जताए जा रहे ने। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ते राघव चड्ढा डेरा सचखंड बला विखे नतमस्तक हुए। इस मौके मुख्यमंत्री भगवंत मान वालों गुरु रविदास बाणी अध्ययन सेंटर का नींह पत्थर रखा गया। यह भी जिक्र योग है, 25 करोड़ की लागत नाल रिसर्च सेंटर यह बन के तैयार होगा। इस मौके भगवंत मान ने संत निरंजन दास जी गुरु रविदास जी की बाणी के रिसर्च सेंटर लिए 25 करोड़ का चैक दिता। लोगों के व्डे इकट्ठ संबोधन करद्या उन्होंने कहा कि सरकार की तरजीह सिक्ख्या सेहत और रुजगार देना है। जे स्कूलों चंगी सिक्ख्या होगी तो बच्चों का भविख उज्जवल हो सकता है। 25 करोड़ रुपए का चैक तो एक फॉरमैलिटी है। आम तौर पर लोग चैक दे के तस्वीर खिंचवा लेंगे ने, जो कि सिर्फ फोटो रह जाती है, जबकि पैसे नहीं मिलते। उन्होंने कहा वह 25 करोड़ का चैक दे के तस्वीर बाद च खिंचवाणगे, पहला पैसे देंगे। हज लोड़ जमाने मुताबिक पढ़ाई करन दी है, बच्चे पढ़ाई करेंगे तो रिसर्च होगी। उन्होंने कहा इतने गुरु रविदास महाराज जी के बारे रिसर्च की जाएगी। आम आदमी पार्टी के बुलारे मलविंदर सिंह कांग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करदिया विरोधियों को करारा जवाब दिता। उन्होंने कहा अमृतपाल मामले विरोधियों वालों NSA लगाए जाने का विरोध किया जा रहा है। कांग ने कहा पंजाब च अज दे हालात पिछले एक हफ्ते दे ने, विरोधियों वालों अफवाह फैलाने की कोशिश भी की जा रही है। NSA सिर्फ उन्होंने लोगों से लाया जो 24 घंटे अमृतपाल नाल रेंदे सी, रची जा रही साजिश उहदा साथ दिंदे सी। इस मामले च 177 लोगों से अजिहा कोई दोष नहीं लाया गया। इस तों इलावा विदेशों में तिरंगे झंडे के अपमान नूं लैके पंजाब सरकार ने बहुत सख्त कार्रवाई कीती है, ताजो अजिहे अंसरां नाल सख्ती नाल नजिठिया जावे। जांच के आधार से कुछ लोगों को बुलाया जरूर गया, पर बेगुनाह लोगों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। जे पंजाब के इतिहास की गल की जाए तो अजिहे हालात दौरान बेगुनाह लोगों के भी परचे पाए गए, खून खराबा होया, पर इस पूरे ऑपरेशन दौरान ना कोई गोली चलाई गई तो ना ही चला दी गई है सरकार के वलों। हरियाणा के गृह ते सेहत मंत्री नील विज ने कहा पंजाब सरकार वारिस पंजाब दे मुखी खालिस्तान समर्थक अमृतपाल नूं गिरफ्तार करने लई गंभीर नहीं है। पंजाब सरकार दी कार्यप्रणाली ते सवाल उठाउंदे उन्हां कहा हरियाणा पुलिस ने पंजाब पुलिस नूं सूचित कर दिता सी, पर पंजाब पुलिस नूं शाबद पुज्जण च 1.5 दिन लग गया। उन्हां कहा इह मामला पंजाब सरकार वल्लों नजिठिया जा रहा है ते उन्हां नूं नहीं लगदा उहनूं फड़न च गंभीर ने। प्राप्त जानकारी मुताबक सारी पुलिस नाल जलंधर च तलाश कर रही सी ते अपने रिश्तेदारां कोल उह बैठा सी, शाबद च रोटी खा रहा सी। उन्हां दस्सिया जदों उन्हां नूं सूचना मिली तो उतों भज गया। जो रिश्तेदार ने दसिया तो असी उस समय पंजाब पुलिस को ही दस दिता सी, पर पंजाब पुलिस को पंजाब तो शाबद पहुंचने में ही इतना समय लग गया। कांग्रेस के साबका प्रधान राहुल गांधी संसद की मैंबरशिप खत्म होने तो लगातार सुर्खियां च ने, इस विचकार हैरानी की गल है। राहुल गांधी की मैंबरशिप खत्म होने तो बाद अरविंद केजरीवाल भी खुल के पक्ष के विच बोले ने। राहुल गांधी दे उन्हें केंद्र सरकार से हमला करके कहा देश च एक पार्टी एक सिस्टम लियाने की कोशिश की जा रही है, इसनूं तानाशाही कहा जाता है। यह राहुल गांधी की लड़ाई नहीं है, देश नूं बचाउण की लड़ाई है, इसलिए सारे नूं इकट्ठे खड़े होना चाहिए। दरअसल दिल्ली विधानसभा च मीडिया नाल गलबात करदे उन्होंने कहा जिस तरह एक फैसले के 24 घंटे अंदर राहुल गांधी की मैंबरशिप खत्म की गई चिंता का विषय है, हर पार्टी नूं तबाह करन दी इसे तरह कोशिश की जा रही है।
पंजाब के फाजिलका जिले च बीते दिन ही जिहड़ा नज़ारा देखने को मिलिया इसनों देख के लोग हैरान रह गए। इत्थों दे पिंड बुकणवाला च वड्डे तूफान ने तबाही मचाई जिस कारण इलाके के 50 तो वध घर तबाह हो गए। इस तों इलावा 3 वर्ग किलोमीटर के खेत्र च 10 लोग जख्मी होए। कईयां दे मलबे हेठ दबे होने की भी सूचना है। BSF के जवानों ने इलाके च बचाव लई तैनात किया गया। जख्मियों चों 2 फरीदकोट मैडिकल कॉलेज भेजे गया जबकि बाकियों नूं बोहर के सिविल हस्पताल च भेजा गया। फाजिलका के DC सोनू दुगल ने कहा पिंड च भारी नुकसान होया ते घरां ते होर जायदाद दे नुकसान दा सही पता लगाया जा रहा है। ज्यादातर घरां दीआं छत्तां वी उड़ गईआं ने। तूफान कारण लोकां तों इलावा कई पशु भी जख्मी होए ने। फास्ट न्यूज़ दे विच हुण तक इन्ने ही कुछ होर देश दुनिया दीआं तेज़ तरार खबरां दे नाल इक वार फिर तों मुलाकात होवेगी। हरमन कुलार नूं दिओ इजाजत। धन्नवाद। चढ़दी कला फास्ट न्यूज़।